हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि थोड़ा मैं इसको मतलब बैकग्राउंड देता हूँ। मतलब ये हम लोग क्या करते हैं कि जैसे रॉ फीचर्स आते हैं ना अनुभ भाई, तो रॉ फीचर्स को हमको ऐसे के ऐसे डाटा सेट में डालते हैं, या मतलब हम इनको अगर मॉडल में डालते हैं तो कुछ एक एक्यूरेसी मिलती है अपने को, तो डिसेंट हो सकती है अगर हमारा डाटा काफी क्लीन है और फीचर अच्छे से एक्सट्रैक्ट किए हैं और वही मीनिंगफुल फीचर एक्सट्रैक्ट किए हैं तो अच्छी एक्यूरेसी आ सकती है। अदरवाइज जब हमारे पास बहुत अच्छे फीचर नहीं होते हैं, और अगर अच्छे फीचर हैं भी और हमको रिजल्ट्स इंप्रूव करना है, एक्यूरेसी वगैरह इंप्रूव करना है, प्रेडिक्शन इंप्रूव करना है, तो हम फीचर का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे जैसे कोई फीचर एक्स है तो उसका लॉग एक्स ले लिया, 1/x ले लिया, एक्स स्क्वेयर कर दिया, एक्स क्यूब कर दिया, या साइन एक्स ले लिया, कॉस एक्स ले लिया, इस तरह के मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब अपन क्या करते हैं कि जो जो वेरिएबल है उसको लॉग उसका लॉग ले लेते हैं, और उसके फिर जो मॉडल है तो उस ओरिजिनल वेरिएबल को ड्रॉप करके लॉग एक्स को, मतलब अगर एक्स इज ओरिजिनल वेरिएबल तो लॉग एक्स को फिर हम लोग जो है मॉडल करते हैं। तो कई बार उस केसेस में भी मतलब एक्यूरेसी वगैरह काफी इंप्रूव हो जाती है। तो लॉग एक्स लेने से कई बार क्या होता है कि अगर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन अगर वो नहीं है, मतलब अगर तुम्हारा जो हिस्टोग्राम या डिस्ट्रीब्यूशन अपन बोलते हैं ना, प्लॉट जिसको बोलते हैं, अगर वो बेल कर्व नहीं है, तो लॉग एक्स लेने से बहुत बार क्या होता है कि इस असिमेट्रिक जो होती है, मतलब जो राइट टेल्ड या लेफ्ट टेल्ड असिमेट्रिक बेल कर्व होती है जिसमें स्क्यूनेस होती है, वो भी मतलब एक चांस होता है कि वो एक सिमेट्रिक बन जाए। तो इस तरह की सिमेट्री से, जब इस तरह की सिमेट्री इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो कई कई एप्लीकेशन, कई मॉडल्स ऐसे होते हैं जैसे लीनियर रिग्रेशन है, ऐसे कई बोर मॉडल है जो कि जिनके रिजल्ट जो है इंप्रूव हो जाते हैं, तो इसलिए अपन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं फीचर्स का। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो हमने पिछली बार जो है बहुत डिटेल में इसका एक सेशन लिया था, तो बेसिकली हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि मतलब उसका एक जनरलाइज फॉर्म होता है बॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो आज उद्देश्य बताएगा। तो उसका बॉक्स कॉक्स करके एक बहुत जनरलाइज लॉग ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कि आप मतलब लगभग किसी वेरिएबल पर लगा सकते हो, और उसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। बेस्ड ऑन पैरामीटर जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, शेप कर्व जो है, बेल 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 कर्व का जो शेप है वो चेंज होता है बॉक्स कॉक्स के जो पैरामीटर के ऊपर। तो यही बॉक्स कॉक्स जो है आज हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब जो लेटिट्यूड लॉन्जिट्यूड होता है ना, लेट लॉन्ग डेटा जो होता है, लेट लॉन्ग डाटा के साथ कैसे डील किया जाए। तो उदेश, तुमने ये हार्वे साइन किया है ना, हैवर साइन, हार्वे हाँ साइन सर, क्या किया होता हूँ है? मैंने। हाँ सर, हाँ, तो रिवर्स साइन है वो उसमें। लेट लॉन्ग डाटा से मतलब यूजफुल पैरामीटर कैसे निकाले। जैसे आपको दे दिया लंदन और बॉम्बे के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आपको अगर दे दिया एक सिटी का नाम लंदन है, दूसरा बॉम्बे है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ना इन स्ट्रिंग के साथ। तो उनको आप सबसे पहले लेट लॉन्ग में कन्वर्ट करोगे, लंदन का लेट लॉन्ग लोगे और बॉम्बे का लेट लॉन्ग लोगे, ठीक है। अब जब आपके पास लेट लॉन्ग आ गए, तो उसके पास फिर रिलेटिव डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना, मैनहट्टन डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस, हेवरसाइन डिस्टेंस है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये अभी हमारा आज का टॉपिक है। और आज उद्देश्य ये भी बताएगा कि बॉक्स कॉक्स जो कि जनरलाइज लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको हम लोग कैसे यूज करें। सो ऑल योर उद्देश्य, गो इट। थैंक यू सर। मेरी स्क्रीन विजिबल यस सर? हाँ, दिख रही है। सो मैं पहले डिस्टेंस कैलकुलेशन फंक्शन से चालू करूंगा। तो हमें बेसिकली नीड टू कैलकुलेट डिस्टेंस ये रहती है कि कोई भी हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम रहती है, वो कई बार फीचर फीचर वेक्टर्स को फीचर स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट करती है। फीचर स्पेस एक एन डायमेंशनल अरे रहता है। जैसे हम किसी भी थ्री डायमेंशनल डेटा को लेंथ, विड्थ और हाइट में प्लॉट कर लेते हैं, तो वैसे ही एन डायमेंशंस तक पे जाता है। एन हमारे नंबर ऑफ फीचर्स रहते हैं, और उसके थ्रू वो सेपरेशंस या फिर क्लास सेपरेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, ये सब उस फीचर स्पेस में होता है। तो इसलिए हमें दो फीचर्स के बीच का डिस्टेंस पता होना जरूरी है। और कई यूज केसेस भी होते हैं, यूज केसेस भी होते हैं अदर प्रॉब्लम्स में। जैसे अगर हमें किसी फ्लाइट फ्लाइट के कॉस्ट कैलकुलेट करने हैं यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, तो हमें पता होना चाहिए कि सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारा डिस्टेंस कितना है। तो उसके लिए हमारे पास जनरली जब हम नॉर्मल फीचर स्पेस में काम करते हैं किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के, तो
हमारे पास दो मेथड्स होती हैं कैलकुलेट करने की, और भी मेथड्स होती हैं, ये दो मेन मेथड्स है, यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है, यूक्लिडियन इज द शॉर्ट पाथ बिटवीन गिवन टू पॉइंट्स। तो ये अभी तक जैसे निकालते हैं नॉर्मल पाइथागोरस टू डायमेंशनल में, ये पाइथागोरस थ्योरम से भी आ जाता है, और अदरवाइज अगर हम डायमेंशंस बढ़ाते जाएं तो हमें सिर्फ यहाँ पे उन डायमेंशंस के बीच का सेपरेशन लेना है और उसको स्क्वायर करके सम करके रूट कर देना है। ये सिंपल यूक्लिडियन डिस्टेंस होती है। ये हम नॉर्मली क्लस्टरिंग वगैरह जब करते हैं तब इसको हम प्रिफर करते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस को। इसके अलावा एक और होती है मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ लेने की बजाय टोटल पाथ का डिस्टेंस कैलकुलेट करती है। अगर मान लीजिए आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं बाय रोड, तो ऑब्वियस सी बात है आप स्ट्रेट लाइन तो फॉलो करेंगे नहीं, आपको टर्न्स लेने पड़ेंगे कई बार, तो उसकी वजह से आपका जो टोटल डिस्टेंस मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। तो मैनहट्टन डिस्टेंस क्या करता है, जो हमारे पॉइंट्स रहते हैं उसमें जो हमारे पॉइंट्स का टोटल सेपरेशन रहता है उन्हें ऐड कर देता है, स्क्वायर करके रूट करने वाला काम नहीं करता है। इसकी वजह से हमें जो टोटल कॉस्ट फंक्शन कहते हैं जिसे, टोटल डिस्टेंस, वो मिल जाएगा। मैनहट्टन डिस्टेंस का भी फॉर्मूला सिंपल है, आप सिर्फ सेम टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और उनके जो डिफरेंस आ रहा है उसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मॉड्यूलस लेना पड़ता है ताकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहे, अदरवाइज वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे अगर नेगेटिव आ गया तो। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल, ये मैप के ऊपर वैसे वैलिड तो नहीं है, बट अगर आपको दिल्ली टू मुंबई आना है तो आप ये देख सकते हैं, एक ये फ्लाइट रूट है जो हल्की सी कर्व लाइन आ रही है, उसको हम मान सकते हैं, अगर हम एज अ फ्लैट सरफेस कंसिडर करें तो हम इसको यूक्लिडियन डिस्टेंस मान सकते हैं। और ये जो बाय रोड रूट आ रहा है उसमें हर बार टर्न्स आ रहे, तो अगर हमें बाय रोड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वो हम मैनहट्टन डिस्टेंस के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। बट द मेन थिंग इज अर्थ, हम जो अर्थ है वो स्पेरिकल शेप में है, क्योंकि वो स्पेरिकल शेप में है तो हम यूक्लिडियन और मैनहट्टन डिस्टेंस एक्चुअली यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि क्योंकि वो कर्वेचर को इग्नोर कर देगा और स्ट्रेट लाइन में आंसर देगा, जिसकी वजह से हमें वैल्यू कम आएगी। उसके लिए फंक्शन होता है हेवरसाइन डिस्टेंस। तो हेवरसाइन डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे भी एक्चुअली समझ में नहीं आया है, तो मैं डायरेक्ट इसके पाइथन कोड पे, इसका पाइथन कोड अभी बताऊंगा। इसमें नॉर्मल हेवरसाइन जो फंक्शन है वो लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड लेता है किसी भी स्पेरिकल सरफेस के, और उसके बीच का डिस्टेंस फिर वो कैलकुलेट करके बताता है। उसके पहले मेरा एक छूट गया, ये कंपैरिजन बिटवीन यूक्लिडियन एंड मैनहट्टन डिस्टेंस। तो ये मान लीजिए हमारा ये गिवन फीचर स्पेस है, यहाँ पे अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करें कि मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट्स ले लिए, पॉइंट 1 के लिए 100 और पॉइंट 2 के लिए 644। तो अगर हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो 7.5498 आ रही है, और अगर हम मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो 13 आ रही है। मैनहट्टन डिस्टेंस हो जाएगा ये लाइन, ए लाइन प्लस बी प्लस सी, और जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है वो सिर्फ ये ई रहेगा। यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस दोनों के साथ ही ये प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे हम डायमेंशंस बढ़ाते जाते हैं तो उनकी वैलिडिटी कम होती जाती है। बट अगर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें आपको टोटल कॉस्ट ऑफ पाथ निकालना है, अगर आपका पाथ इम्पॉर्टेंट है तो आप मैनहट्टन डिस्टेंस लगाइए, और अगर आपको सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है दो फीचर्स के बीच में तो आप यूक्लिडियन डिस्टेंस लगाइए। इसके बाद हेवरसाइन डिस्टेंस पे आते हैं। हेवरसाइन डिस्टेंस में एक प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक्यूरेसी है उसमें 5% का एरर आ सकता है, बिकॉज अर्थ एक्चुअली स्पेरिकल ना होके थोड़ी सी बज्ड आउट है साइड पे, इक्वेटर के ऊपर डायमीटर थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू पोल्स, इसलिए हमें जो हेवरसाइन डिस्टेंस आता है वो थोड़ा सा एरर होने का चांस है, बट ठीक है उतना हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका कोड मैंने लिखा हूँ, अभी डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा रहा हूँ, और ये कोड अगर आपको चाहिए तो मैंने पीपीटी में लिंक ऐड कर दी है, इस लिंक पे आपको कोड मिल जाएगा। लेट मी जस्ट जंप टू कोड।
ये है इसका कोड, ये विजिबल है ना एक्चुअली, मुझे इसमें जूम करते नहीं आ रहा है ये स्टूडियो में। सो हाँ विजिबल है उद्देश्य, नो प्रॉब्लम वर्ड। तो पहले हमें दो लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, एक जियोपाई लाइब्रेरी है। जियोपाई लाइब्रेरी एक्चुअली हम जो भी लोकेशन देते हैं उसके लोग कोऑर्डिनेट्स हमें निकाल के देती है, लोकेशन और लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड। और एक दूसरी लाइब्रेरी है हेवरसाइन लाइब्रेरी, जिसमें हमारा मेन फंक्शन है जो हमें कैलकुलेट करके देगा टोटल डिस्टेंस। तो क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पाइथन में नहीं आते हैं, तो आपको पिप इंस्टॉल कमांड का यूज करके पहले इन दोनों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप इन्हें रन कर सकते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो हमें पहले सोर्स लोकेशन देख डालनी है, तो लंदन से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर अनूप सर शैलेंद्र सर से मिलने आते हैं तो कितना लगेगा, लंदन टू बेंगलुरु। नहीं बेंगलुरु की स्पेलिंग सही डालो, आजकल लेता नहीं। बेंगलुरु, बांगा, BANGALURU, बेंगलुरु। या तुम दिल्ली डालो ना यार, सीधे बॉम्बे, मुंबई डालो, मुंबई दैट इज बेटर। बेंगलोर का स्पेलिंग थोड़ा एम्बिगुअस हो सकता है, मुंबई डाल दो, लंदन टू मुंबई। लंदन टू मुंबई, हाँ उसने पहले दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकाले, ये लंदन के कोऑर्डिनेट्स है ग्रेटर लंदन इंग्लैंड, तो उसके हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ गया 5150 लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड -12 -0.12, और मुंबई में मुंबई मुंबई सबअर्बन आ गया, तो ये लैटिट्यूड 19 और लॉन्गिट्यूड 72। इसके थ्रू हमें डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड मुंबई मिल गई, दैट इज 7,191.675 किलोमीटर्स। अब इस फंक्शन को हो ये सकता है, हेवर साइन डिस्टेंस है राइट? हाँ सर ये हेवर तो साइन मतलब डिस्टेंस, अगर इट इज आप डिस्टेंस। फ्लाइट रूट लेते हाँ हैं तो ये डिस्टेंस आपको पड़ेगी। अच्छा ये एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, मतलब यूक्लिडियन डिस्टेंस का स्पेरिकल एनालॉग समझ सकते हैं आप, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, इसमें पाथ को कंसिडर किया गया है स्पेरिकल डिस्टेंस। इसके कमांड सिंपल है, इसमें जियो कोड आता है, तो आपको सिर्फ जो अपना लोकेशन सिटी है उसको सिर्फ जियो कोड में पास करना है, आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के लिए एक फॉर लूप लगा के गेट लॉग जो वेरिएबल है उसमें जियो कोड इंपोर्ट कर लिया है। लॉग जो है वो इसका एक हेवर साइन में ही अवेलेबल मॉड्यूल है, नॉमिनेटिव, उसके थ्रू करते, तो हमें सिर्फ इसको इंस्टेंशिएट कर देना है। लॉग आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, नॉमिनेटिव यूजर एजेंट इज इक्वल्स टू गेट लॉग, तो ये आपको लोकेशन दे देगा, और उसके ऊपर आप बस आपने ये जो गेट लॉक वेरिएबल बना दिया है उसके ऊपर आप सिर्फ गेट लॉक डॉट लैटिट्यूड डॉट लॉन्गिट्यूड कर सकते हैं, आ जाएगा। मैंने इसको कोऑर्डिनेट्स की लिस्ट में अपेंड कर दिया है, और वही लिस्ट मैंने हेवर साइन फंक्शन को दे दी है। तो हेवर साइन में कोऑर्डिनेट 0 जो सोर्स के लिए आ जाएगा, और कोऑर्डिनेट 1 जो उसके लिए आ जाएगा डेस्टिनेशन के लिए, और एक सिंपल प्रिंट कमांड जो डिस्टेंस को प्रिंट कर देगा। तो ये कोड इस कोड में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी मैं बता दूंगा, और अगर आपको ये कोड चाहिए है तो ये मैंने लिंक प्रेजेंटेशन के साथ ऐड कर दी है, तो उससे आप कोड डाउनलोड कर सकते हैं। गेटिंग पैकेजेस। अब इसके बाद मेन आज का जो हमारा है बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन, उसके ऊपर आता हूँ मैं। तो मेन जैसा सर ने बताया कि हमें डेटा, जब भी हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम करते हैं हमारे लिए ये प्रेफरेबल होता है कि डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में एक तो एक्यूरेट प्रेजेंटेशन बनते हैं, दूसरी बात हमें जो बायस रहता है
डेटा डेटा किसी एक साइड किसी एक पैरामीटर को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता, डेटा अच्छे डेटा फ्री फ्रॉम बायस रहता है। तो इसके लिए हमें नॉर्मल डेटा की जरूरत रहती है, क्योंकि हम नॉर्मल डेटा से हमें हमारे मॉडल में बेटर इंफॉर्मेशन गेन मिलता है, प्रेडिक्शंस मिलते हैं, और हमारा जो मॉडल बनता है उसमें लिटिल और नो बायस रहता है, तो वो हमारे लिए बेटर रहता है। सो यहाँ पे नॉर्मेलिटी आप देख सकते हैं, बेसिक हमारे पास देखने का पैरामीटर यही रहता है कि हम उसको विजुलाइज कर ले डेटा को। तो ये जैसे आप देख सकते हैं, ये ब्लू वाली जो लाइन है वो नॉर्मल कर्व है, इसमें मीन जीरो स्टैंडर्ड डिविएशन वन, अगर शिफ्टेड भी रहे तो भी कर्व नॉर्मल दिखना चाहिए। ये वाले कर्व्स देखिए, क्योंकि ये एक साइड पे जा रहे हैं, इनमें टेल्स दिख रही हैं, तो ये एक्चुअली थोड़े से स्क्यूड हैं, ये कर्व्स नॉर्मल नहीं है। तो बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या करेगा, इन कर्व्स को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नॉर्मल बना देगा। फिर हम नॉर्मेलिटी चेक कैसे करेंगे किसी डेटा की? तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो हमारे पास तरीका है कि हम विजुलाइज कर लें, जैसे ये डेटा हमारे पास राइट स्क्यूड है, तो ऑब्वियसली ये तो हमारे काम का ये बायस देगा। बट ये देखिए, ये वाला डेटा जो है वो थोड़ा सा थोड़ा बहुत नॉर्मल है, तो ये हमें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो मैं नॉर्मेलिटी विजुलाइजेशन आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये इसी लिंक से है। ओके, हाउ टू विजुलाइज नॉर्म हाउ टू टेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम विजुअल मेथड्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि उससे हमारा काम चल जाता है। तो नंबर वन इज हिस्टोग्राम। आप अभी जैसे मैंने दिखाया वो KDE प्लॉट था, उसमें अगर मैं बार्स को भी ऐड करूँ तो वो हिस्टोग्राम हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि डिस्पाइट द KDE प्लॉट लुकिंग नॉर्मल, KDE प्लॉट दोनों का ऑलमोस्ट नॉर्मल दिख रहा है, बट अगर आप हिस्टोग्राम प्लॉट करें तो आपको पता चल जाता है कि डेटा सही में नॉर्मल है कि नहीं है। इस जो फर्स्ट वाला पिक्चर है उसमें डेटा अच्छे से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट जो सेकेंड पिक्चर है उसमें डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऑल्दो KDE प्लॉट हमें बता रहा है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट जो सैंपल है हमारा वो एक्चुअली यूनिफॉर्म सैंपल है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की बजाय। सेकेंड इज बॉक्स प्लॉट। तो हम बॉक्स प्लॉट से भी देख सकते हैं, अगर हमारा जो परसेंटाइल स्कोर रहता है, परसेंटाइल स्कोर रहता है उसके थ्रू बॉक्स प्लॉट बनता है। ये अपर क्वार्टाइल, ये दो जो हैं वो अपर क्वार्टाइल रेंज हैं, ये अपर आउटलायर लिमिट, लोअर आउटलायर लिमिट, और ये मीडियन ऑफ द डेटा। तो ये देखिए, जो लेफ्ट वाला है वो है एक्चुअल में नॉर्मल डेटा, जिसके ऊपर अभी मेरा कर्सर है वो है नॉर्मल डेटा। जो मिडिल वाला है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में देखिए, एक्चुअली जो क्वार्टाइल रेंजेस आ रही हैं वो थोड़ी ब्रॉड हैं, फैली हुई हैं, जबकि नॉर्मल डेटा में वो सिक्स जो क्वार्टाइल रेंजेस है वो थोड़ी कम रहती हैं, और जो लास्ट वाला है वो है एक्सपोनेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो इसमें एक्चुअल में आप देखिए आउटलायर्स बहुत ज़्यादा है, और हमारा मेन टारगेट यही है कि ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है और एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, इसको हमें नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करना है। तो वो हम बॉक्स प्लॉट प्लॉट के थ्रू करेंगे। मेथड रहती है वाली देखने की डेटा नॉर्मल है कि नहीं, वो होता है क्यू क्यू प्लॉट। तो ये करता क्या है, क्वांटाइल्स प्रोजेक्ट करता है, जो हमारे क्वांटाइल रेंज परसेंटाइल्स रहते हैं, परसेंटाइल्स और क्वांटाइल्स उनको प्रोजेक्ट करता है, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल। उसके ऊपर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करके थ्योरेटिकल वैल्यूज बनाता है पहले। तो थ्योरेटिकल वैल्यूज और सैम्पल क्वांटिटीज, अगर इनके बीच स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाती है तो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है तो ये पॉसिबल है कि सैंपल में जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। तो ये देखिए, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सैंपल है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में पहले थोड़ा
पहले क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यूज से कम, क्वांटिटीज की वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से थोड़ी कम है और फिर उसके बाद बढ़ रही है। और ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है थ्योरेटिकल क्वांटिटीज और सैम्पल क्वांटिटीज में। और ये जो हमें फर्स्ट वाला मिला ये एक्चुअल नॉर्मल डेटा के लिए प्लॉट है। अब हम बॉक्स कॉक्स क्या बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म एक्चुअली बहुत सिंपल लॉजिक यूज करता है, वाई टू द पावर लैम्डा। इसमें ये पैरामीटर लेता है वाई टू द पावर लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा इन केस लैम्डा की वैल्यू जीरो नहीं आ रही तो। ये लैम्डा को ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम से कैलकुलेट करेगा। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये -5 to 5 की रेंज में, लैम्डा की रेंज -5 to 5 में चेक करेगा कि कौन से लैम्डा के ऊपर डेटा जो है वो लगभग नॉर्मल आ रहा है। ये करता है, ऐसा करने के लिए वो लाइकलीहुड फंक्शन का यूज करता है। लाइकलीहुड फंक्शन हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देखा था, उसमें उसका यूज करता है और उसमें देखता है कि गुडनेस ऑफ फिट कितनी मिल रही है फॉर द एनी गिवन लैम्डा। अगर हमें सफिशियंट फिट मिल जाता है तो वो लैम्डा की उस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेता है। मेन एक बात जो याद रखने के लिए वो है कि जो बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म है वो जीरो और नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर काम नहीं करता है। तो आप कोई भी डेटा अगर उसमें पास कर तो आपको चेक कर लेना है कि आपके डेटा में नेगेटिव वैल्यूज या फिर जीरो वैल्यूज ना हो। इसी और जो हमारा रिटर्न टाइप है वो नंपाई एनडी एरे में देता है और हम जो जिस लैम्डा के ऊपर वो फिट कर रहा है उस लैम्डा की वैल्यू देता है। तो इसको मैं मेन फंक्शन के साथ समझा दूंगा। और जैसा कि सर ने बताया जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये देखिए पहले जो हमारा डेटा था वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, ये राइट स्क्यूड था, राइट की तरफ इसकी टेल आ रही थी। बट जब हमने बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल डेटा हमें मिला। जो ट्रांसफॉर्म डेटा था वो हमें ऑलमोस्ट नॉर्मल मिला और उसके ऊपर एक्यूरेसी भी हमें ज्यादा मिल रही है। तो बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, आपका जो भी फीचर है, मान लीजिए कि हमने नंबर ऑफ पीपल फीचर लिया है तो नंबर ऑफ पीपल का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेगा किस वैल्यू के ऊपर आ रहा है। लैम्डा की वैल्यू अगर जीरो नहीं आई तो इस फॉर्मूले के थ्रू वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा इस फॉर्मूले की वैल्यू में। अदरवाइज अगर लैम्डा की वैल्यू जीरो आती है तो वो नॉर्मल लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्म लगा देगा, लॉग ऑफ वाई। वाई हमारा टारगेट वेरिएबल नहीं है, वाई हमारा फीचर वेरिएबल है। तो मेन है हमारे पास बॉक्स कॉक्स के एक्चुअली थोड़े से लिमिटेशंस हैं कि अगर हम बिजनेस प्रॉब्लम्स में उसको यूज करते हैं, अगर हम बिजनेस प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म को तो हमारे फीचर्स ओरिजिनल डेटा को ना लेके किसी दूसरे मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म में बदल जाते हैं। और वो जरूरी नहीं है हर बार स्क्वायर या फिर क्यूब रहे, हो सकता है कि वो पॉइंट वन पॉइंट फाइव पावर पे आ जाए, 2.5 पावर पे आ जाए। तो हमारे फीचर्स जो होते हैं वो इंटरप्रेटेबल नहीं रहते, हम उन फीचर्स को डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो फीचर्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं उसमें क्योंकि हर फीचर अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कोई फीचर क्यूब में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कोई फीचर स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म हो, कोई लॉग में ट्रांसफॉर्म हो, तो उसकी वजह से हमारे फीचर्स में बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बन जाता है। तो अगर आप किसी साइंटिफिक पर्पस के लिए बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको वहां पे एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है और फीचर्स के ट्रांसफॉर्म हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगर हम किसी बिजनेस प्रॉब्लम के लिए यूज कर रहे हैं तो बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म को मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। और इसके ऊपर सॉल्यूशन ये है कि पाइथन का जो साइपाई पैकेज है जिसमें बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें इनवर्स बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है, जिससे हम अगर हमारे पास फिटेड लैम्डा की वैल्यू हो तो हम वापस ओरिजिनल वैल्यूज में चेंज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि फ्लोटिंग पॉइंट एरर या फिर राउंड ऑफ की वजह से हमारे पास जो इनवर्स ट्रांसफॉर्म आएंगे वो जरूरी नहीं है कि 100% एक्यूरेट हो सकता है थोड़े चेंज हो। बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म का डिस्क्रिप्शन तो इतना ही है, इसमें अगर आपको
और थोड़ा बहुत देखना है, तो ये मैंने वॉक्सबॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन के डिस्क्रिप्शन की लिंक ऐड कर दी है प्रेजेंटेशन में, ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन हो गया, मैं आपको एक बार वो पाइथन कोड दिखा देता हूँ। तो दो है मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे, एक ये नॉर्मल मैं बॉक्स क्लॉक बॉक्स क्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाते हैं वो बता रहा। तो नंपाई एरे, नंपाई को इंपोर्ट किया है नंपाई एरेज क्रिएट करने के लिए, और साइको साइपाई से स्टैट्स इंपोर्ट किया है। साइपाई पैकेज के स्टैट्स मॉड्यूल में बॉक्स क्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल है, और ये हमारी दोनों प्लॉटिंग लाइब्रेरी सीमॉन और मैटप्लॉटलिब, इन दोनों को लिया। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डेटा क्रिएट किया है, तो स्केल जो है वो एक्सपोनेंट की वैल्यू है कि हम किस वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट पे ले रहे हैं, स्क्वायर क्यूब वगैरह, तो वैसे ही स्केल है। और उसमें साइज लिया है 1000 सैंपल्स का, और तो उसमें ये हमें जो भी हमारे रैंडम जो भी वैल्यू जनरेट करेगा उसको 0.5 से स्केल करेगा, टू द पावर 0.5 से स्केल करेगा, और हमें 1000 सैंपल्स का एरे रिटर्न करेगा। और इसके ऊपर डायरेक्ट लगा दिया बॉक्स बॉक्स, तो ये क्योंकि ये दो फीचर रिटर्न कर देता है, तो फिटेड डेटा जो है वो हमारा ट्रांसफॉर्म एरे रहेगा। बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्म होने के बाद हमें जो डेटा मिल रहा है वो है फिटेड डेटा और फिटेड लैम्डा, उसने लैम्डा की किस वैल्यू से बॉक्स बॉक्स वैल्यू को फिट किया है। तो ये नॉर्मल इधर प्लॉट्स कर दिए हैं और लास्ट में फिटेड लैम्डा भी प्रिंट करा दिया है। तो इसको जब आप रन करेंगे तो आपको ये मिल रहा है कि लैम्डा के लिए लैम्डा की जो वैल्यू लिया है, फिटिंग पैरामीटर जो हमने लिया है उसकी वैल्यू 0.23 है, 2348, और ये देख सकते हैं आप इसके जो प्लॉट्स बने हैं। तो हमें पहले एक्सपोनेंशियल डेटा का प्लॉट इस तरह से मिला था, और जब हमने उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो हमें ये लगभग नॉर्मल डेटा मिला। तो इतना हमारे लिए सफिशियंट है कि ये पहले वाले प्लॉट एक्सपोनेंशियल प्लॉट की जाए, ये जो नॉर्मल प्लॉट मिला है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आएगी। और इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी है मेरे पास, ये इस हफ्ते का जो असाइनमेंट था जिम प्रिडिक्शन वाला उसी में मैंने यूज किया है। तो ये हमारे कॉलम्स है कि हमें से प्रिडिक्ट करना है कि जिम जो कॉलेज का जिम है वहाँ पे एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन डेट एंड टाइम एंड गिवन वेदर कंडीशंस, तो हमें कितने लोग रहेंगे जिम में, क्योंकि हम उससे बता सकते हैं जिम में भीड़ रहेगी कि नहीं, तो उस हिसाब से हम अपना प्लान कर सकते हैं कि हमें जिम कब जाना है। तो ये इसके ऊपर वेरिएबल्स है, डेट, टाइम स्टैम्प एक्चुअली सेकेंड्स है, कितने सेकेंड्स है, तो मतलब दिन शुरू होने से लेकर कितने सेकंड्स हुए, डे ऑफ वीक, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ये ऑलरेडी एनकोडेड है, वीकेंड है कि नहीं, वीकेंड मतलब सैटरडे संडे है कि नहीं, हॉलिडे है कि नहीं, तो उसके लिए भी 0-1 बाइनरी डेटा है। टेम्परेचर कितना है फ़ारेनहाइट्स में, सेमेस्टर स्टार्ट होने का है क्या, क्योंकि कॉलेज का जिम है तो ऑब्वियस सी बात है अगर सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है कि ड्यूरिंग सेमेस्टर है, और इस ड्यूरिंग सेमेस्टर ये इसके लिए कि अभी सेमेस्टर चल रहा है कि सेम ब्रेक चल रहा है, और कौन सा मंथ चल रहा है, दिन का कौन सा आर है। तो ये नॉर्मल ये पूरा डेटा एनालिसिस है, मैं डायरेक्ट उसके ऊपर आ रहा हूँ। मैंने इसमें एक फीचर और एक्सट्रैक्ट कर लिया, मिनट्स ऑफ द डे, मिनट्स ऑफ द डे और महीने का कौन सा दिन है, ये दो और फीचर मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं अलग से डेटा के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से लीनियर रिग्रेशन लगाया हूँ हमारे मॉडल इस डेटा के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी बोल रहा हूँ, आर स्क्वायर वैल्यू जो आ रही है, आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर, वो बहुत कम आ रही है, 0.52, मतलब 52% आ रही है। और यहाँ पे रेसिड्यूअल्स भी हैं, रेसिड्यूअल्स जो है उनकी वैल्यू देखिए कितनी हाई है, 43,000 है समथिंग रेसिड्यूल्स की वैल्यू। तो ये हमारे लिए, ये मॉडल हमारे लिए किसी काम का नहीं है। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखिए एक्चुअल वैल्यूज और प्रिडिक्टेड वैल्यूज आपस में कितनी दूर है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू -1 होनी थी और प्रिडिक्टेड वैल्यू +1 है। ये स्केल डेटा है, रोबस्ट स्केलर से स्केल किया है, तो स्केल डेटा है, बट
जो भी है ये माइनस माइनस वन पॉइंट माइनस वन के आसपास वैल्यू आनी चाहिए थी और ये वन के आसपास जा रही, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और हमारा जो डेटा है उसमें होमोस्केडेस्टिसिटी भी अवेलेबल नहीं है, हमारे जो रेसिड्यूअल्स हैं वो बायस्ड है, बहुत ज़्यादा बायस्ड है। ये देखिए ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट मतलब माइनस वन स्लोप का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा एक मॉडल के लिए नहीं, सारे मॉडल्स के लिए आया। मैंने इसके ऊपर तीन चार और मॉडल्स टेस्ट किए हैं। ये वाला डिसीजन ट्री के लिए तो एक्चुअली एक्यूरेसी बढ़ गई। अभी भी आप देख सकते हैं कि एक्चुअल डेटा और प्रिडिक्टेड डेटा में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमें यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, बट स्ट्रेट लाइन ना मिलके हमें ये अजीब सा एरर मिल रहा है एरर्स का। और उसके साथ रेसिडुअल प्लॉट भी अभी भी नेगेटिव डायरेक्ट मतलब नेगेटिव स्लोप के साथ ही जा रहा है। ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट रैंडम फॉरेस्ट के लिए भी आए हैं। थोड़ा सा हमारा प्रिडिक्शन सुधरा है, बट होमोस्केडेस्टिसिटी आप देख सकते हैं अभी भी बायस ही है, सेम एक्सजीबूस्ट के लिए। तो उसके बाद मैंने ये किया कि यहाँ पे मैंने कहीं पर बॉक्स बॉक्स लगाया हूँ, ये चारों मॉडल के ऊपर रिग्रेशन टेस्ट करने के बाद बाद ये फाइनल एक्सजीबूस्ट का है। एक्सजीबूस्ट में भी थोड़ा बहुत लीनियर मिल गया प्रिडिक्शंस, क्योंकि मैंने डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना दिया बहुत मॉडल को, तब जाके मुझे इतना प्रिडिक्शन मिला है। और रेसिडुअल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। आप मेन लीनियर रिग्रेशन की आर स्क्वायर स्कोर याद रखिएगा, लीनियर रिग्रेशन को तो यहाँ से मैंने बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्म को इंपोर्ट किया हूँ। इसमें ये है मेन प्रोग्राम जहाँ पे मैंने बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, क्योंकि बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर ऑपरेट नहीं करता, वो किसी सिंगल कॉलम के ऊपर ऑपरेट करता है। तो पहले यहाँ पे मैंने अप्लाई अप्लाई लैम्डा का यूज करके प्लस वन कर दिया, क्योंकि कुछ जो जीरो वैल्यूज थी वो बॉक्स बॉक्स में एरर देती है, बॉक्स बॉक्स जीरो के ऊपर काम नहीं करता, जीरो और नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर। तो मैंने यहाँ प्लस वन दे दिया है, नेगेटिव वैल्यूज थी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस वन दे दिया। अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज हो तो उस हिसाब से आपको डेटा को डील करना पड़ेगा। टेस्ट और ट्रेन दोनों के ऊपर लगाया हूँ और उनके ऊपर बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। मैंने डीएफ टेस्ट के ऊपर फिट लैम्डा की वैल्यू निकाली है। ये जो हमारा लैम्डा आउटपुट देता है जिस वैल्यू के ऊपर फिट कर रहा है, जिस एक्स पावर के ऊपर फिट कर रहा है, उसकी वैल्यू यहाँ पे निकाली है साथ में। और उसी फिटेड लैम्डा से मैंने जो टेस्टिंग डेटा है उसको ही फिट किया, ताकि डीएफ ट्रेन और डीएफ टेस्ट सेम वैल्यू के ऊपर फिट हो, क्योंकि ऑब्वियसली हम स्प्लिट कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि दोनों की फिटिंग वैल्यूज अलग आए और दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन अलग हो, वो ना हो, इसलिए मैंने जो फिट इसका जो फिट लैम्डा मिला उसी को मैंने टेस्टिंग डेटा पे भी लगा दिया। और इसके बाद हिस्ट प्लॉट लिया, एक्चुअली क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है इसलिए इस डेटा में ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए आपको हिस्ट प्लॉट ज़्यादा मतलब नॉर्मल दिखेंगे नहीं, ये थोड़ा बहुत नॉर्मल आया है। नंबर ऑफ पीपल का डेटा जो है और टेम्परेचर डेटा भी लगभग नॉर्मल कर्व आ गया है। आर ऑफ द डे में ज़्यादा नॉर्मल नहीं मिला है मुझे, मतलब इसको नॉर्मल कह भी नहीं सकते, बट ठीक है, जो ओरिजिनल डेटा था उसके कंपैरिजन में ये बेटर है। क्यों? तो मैंने वापस से इस डेटा के ऊपर रोबस्ट स्केलर लगाया, वापस से इस डेटा को रोबस्ट स्केलर से ट्रांसफॉर्म किया और अब मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ। तो ये देखिए पहले मेरा 52 था, अब मुझे मिल रहा है 54, तो मेरी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ी है, जो हमारी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी है वो बढ़ी है। और लीनियर रिग्रेशन के लिए थोड़ा कम आया, बट अगर मैं बाकी मॉडल्स के ऊपर जाऊँ तो बाकी मॉडल्स मुझे मेनली जो एक्सजी बूस्ट है, एक्सजी बूस्ट के ऊपर आप देख सकते हैं मुझे ट्रेनिंग डेटा के ऊपर 94 का स्कोर मिल 0.94 का आर टू स्कोर मिला, जो कि वन के बहुत क्लोज है, तो ऑब्वियसली बेटर है। और टेस्टिंग डेटा अच्छा, के ये ऊपर बॉक्स कॉक्स फिट करने के पहले एग्जीबूस का स्कोर कितना था? आर स्क्वायर वो कितना था? इसमें 3.33% का ग्रोथ है, मतलब वो 91 रहा होगा। अच्छा, ये 91 देखिए था।
91 था और यहाँ और जो टेस्टिंग डेटा के लिए 90 था, जब मैंने उसको बॉक्स बॉक्स में फिट किया तो वो 94 और 93 बन गया। आई अच्छा, थिंक इट्स अ गुड रिजल्ट रैंडम यार। रैंडम फॉरेस्ट के लिए रिजल्ट, रैंडम फॉरेस्ट या फिर डिसीजन ट्री के लिए आई थिंक रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। एक्सी बूस्ट हो गया ये रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट में 6-6% का गेन है। यहाँ आप देख सकते हैं ये लगाने के बाद है, बॉक्स कॉक्स लगाने के बाद का डेटा है, तो उसमें 92% 92.92 R2 स्कोर आ रहा है ट्रेनिंग डेटा के लिए और 0.88 आ रहा है टेस्टिंग डेटा के लिए। और ऊपर अगर हम देखेंगे रैंडम फॉरेस्ट को तो ये है रैंडम फॉरेस्ट जो फाइनल यूज किया था। हाँ 91 आ रहा था इसके लिए, 91 आ रहा था ट्रेनिंग डेटा के लिए और 87 आ रहा था टेस्टिंग डेटा के लिए, जो कि हो गया इसमें अच्छा वो सॉरी पुराने रिजल्ट थे, मैं चेंज करना भूल गया। फिर भी 91 से 94 गया है और 87 से 92 गया है, ये डायरेक्ट 87 से 92 आर स्कोर हो गया टेस्टिंग डेटा के लिए। कोई ओवरफिट नहीं है, मतलब ओवरफिट बहुत कम है और रिजल्ट्स भी हमारे बहुत इंप्रूव हो गए हैं इसको यूज करने से। तो ये बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्म हमें इस तरह से हेल्प करता है। बट अगेन बात वही है कि अगर मैं इसे किसी बिजनेस डेटा के लिए यूज करता हूँ तो मैं फीचर्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर मैं क्या बताऊँ, नंबर ऑफ पीपल टू द पावर 0.15, तो इसका कोई इंटरप्रिटेशन मैं दे नहीं सकता हूँ। तो बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्म बिजनेस पर्पसेस के लिए शायद उतना इफेक्टिव ना हो, बट अगर हमें प्रिडिक्शन उद्देश्य एक्यूरेसी यहाँ बढ़ाना है। पे, मुझे थोड़ा ऐड करना है। कई बिजनेस यूज केस होते हैं जहाँ पे हमको सिर्फ प्रेडिक्शन और एक्यूरेसी से मतलब होता है, हमको फीचर इंटरप्रिटेशन से इतना मतलब नहीं होता। बहुत सारे बिजनेस केसेस ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे बैंक फ्रॉड है। बैंक फ्रॉड के एग्जाम्पल से आपको ये पता लगना चाहिए कि ट्रांजेक्शन फ्रॉड है कि नहीं। आपको उसके जो फीचर इंटरप्रिट करने से कोई मतलब नहीं। अगर आप एक्यूरेटली ये बता देते हो कि ये ट्रांजेक्शन फ्रॉड है कि जिनाइन है, इतना ही आप बता देते हो तो काफी है आपके लिए। तो उन केसेस में आप बॉक्स ऑफ फिर भी बिजनेस केसेस में भी लगा सकते हो। हाँ जहाँ फीचर का इंटरप्रिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप बॉक्स ऑफ लगा सकते हो, बिजनेस केसेस में भी लगा सकते हो। ओके, सो दिस वाज बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्म। इसका एक्चुअली मेरा ये प्रोजेक्ट मेन पीसीए वाला था, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, बट मैं इसको अभी भी ऐड कर दूंगा और जब वो फिनिश होगा तब मैं अलग सपोर्ट कर दूंगा। तो मेन जो बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्म का मेन कोड है यूज करने का वो इस फाइल में है, इसको मैं अभी इसको भी मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा प्रेजेंटेशन के साथ, तो ये कोड आपको मिल जाएगा। ओके थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय या साइड। तो ये भी गिट पे लोडेड है ना, ये भी बॉक्स कॉक्स का भी, नहीं सर, बॉक्स बॉक्स का नहीं है तो ये भी वो, गिट पे लोड उसका करके गिट की लिंक शेयर कर दो ना, लोगों को गिट की भी आदत पड़ जाएगी। हाँ सर डायरेक्ट मैं शेयर मत करो, गिट का शेयर करो, ठीक है सर, गिट पे अपलोड कर दो इसको। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा मैं अभी एक और बोलूंगा कि जस्ट एक बार और थ्योरी, बॉक्स कॉक्स की जो थ्योरी है वो एक बार और दो चार मिनट में समझा दो, देन इट विल बी गुड रिविजन फॉर एवरीबॉडी। ओके सो बॉक्स बॉक्स इस थ्योरी है, हमें एक्चुअली जब हमारे प्रिडिक्शंस हम बनाते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, तो डेटा जितना नॉर्मल रहेगा उतना हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि उससे हमें प्रिडिक्शंस भी अच्छे मिलेंगे, ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शंस मिलेंगे और डेटा में बायस कम रहेगा, तो जो हमारी होमोस्टैटिसिटी है रहती है वो इम्प्रूव होगी। तो उसके लिए हम बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन करता ये है कि आप जो अभी जो डिफॉल्ट बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो -5 to 5 में हमारी वैल्यूज को चेक करता है, -5 to 5 में हमारी कितनी कौन सी वैल्यू में हमें बेस्ट नॉर्मल डेटा मिल रहा है उसका वो ये करता है लाइक्लीहुड फंक्शन से। लाइक्लीहुड फंक्शन के थ्रू हमें देखता है कि नॉर्मल डेटा में कितना बेटर फिट, कितना अच्छा फिट मिल रहा है हमें बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्म का, और उससे
उसके थ्रू डिटरमाइन करता है कि किस वैल्यू के ऊपर, ये जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा की किस वैल्यू के ऊपर हमें ज्यादा नॉर्मल डेटा मिले, नॉर्मल डेटा जो है वो अच्छा मिलेगा। तो जिस वैल्यू के ऊपर हमें ज्यादा नॉर्मैलिटी मिल जाती है डेटा में, उस वैल्यू के ऊपर वो पूरे जो सेट है उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 0 आती है तो वो सिंपल लॉग ट्रांसफॉर्म लगा देगा। अगर लैम्डा की वैल्यू नॉन जीरो है तो वो इस ट्रांसफॉर्म का यूज करेगा, ये जो ऊपर दिया है y^(-1)/λ, इसका यूज करेगा। तो जब हम बॉक्स कॉस्ट लगाने के पहले हमारा डेटा अगर नॉन लीनियर है तो आप देख सकते हैं एक्यूरेसी हमें कम मिलती है। अगर जब हम बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो डेटा हमें नॉर्मल फॉर्म में मिलता है और उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। इससे हमें हमारे मॉडल का भी हमारा मॉडल भी इम्प्रूव होता है और हमारा मॉडल भी इम्प्रूव होता है और कम बायस का हमें डेटा मिलता है। एक बस बॉक्स कॉक्स यूज करते समय ध्यान रखना है कि जो बॉक्स कॉक्स का जो हमें रिजल्ट मिलता है, रिटर्न टाइप मिलता है, वो दो रिटर्न देता है। एक नंपाई एरे देता है जो कि हमारा नॉर्मल कॉलम रहता है, उसमें कॉलम नेम नहीं रहेगा तो हमें कॉलम नेम ऐड करने के लिए भी फंक्शन फंक्शन को उस हिसाब से करना पड़ेगा कि वो हर कॉलम कॉलम की आइडेंटिटी रखे। और जो फिटेड लैम्डा, जिस वैल्यू ऑफ लैम्डा के ऊपर वो बॉक्स ट्रांसफॉर्म कर रहा है उसकी वैल्यू रिटर्न करता है। ये फिटेड लैम्डा हम टेस्टिंग डेटा के मैं रिकमेंड कर ये रिकमेंडेड है कि आप जो लैम्डा की वैल्यू है वो टेस्टिंग डेटा के ऊपर जो ट्रेनिंग डेटा से फिटेड लैम्डा मिला है उसी को लगाएं ताकि दोनों सेम स्केल के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो। लास्ट में इसके लिमिटेशंस आते हैं कि फीचर्स इंटरप्रेटेबल नहीं रहते और रिलेशनशिप्स कॉम्प्लेक्स बनती है। तो अगर इसका यूज हमें वहां करना है जहां पे हमें फीचर्स के इंटरप्रिटेशन से उतना मतलब नहीं है, हमें मॉडल की एक्यूरेसी और मॉडल रिजल्ट से ज्यादा मतलब है, तो वहां हम इसका यूज कर सकते हैं। और अगर आपको वापस से डेटा रिट्रीव करना है, मतलब ओरिजिनल डेटा रिट्रीव करना है, तो इनवर्स बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म भी अवेलेबल होता है सेम पैकेज में, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ऑल्दो आपको एग्जैक्टली वही डेटा वापस नहीं मिलेगा क्योंकि कई बार फ्लोटिंग पॉइंट्स जो आते हैं वो राउंड ऑफ होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा डेटा चेंज हो सकता है, बट आपको अप्रोक्सीमेटली सेम डेटा वापस मिल जाएगा। Yeah, so thanks Sudesh for a great presentation. तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।